जनजीवन के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं चीनी मिलें। गुजरे दिनों हमने आपको शाहजहानपुर के मकसूदापुर चीनी मिल की करतूतें दिखाने के साथ ही दिखाया था कि किस तरह से बजाज एनर्जी प्लांट कितना घातक बनता जा रहा है जनजीवन के लिए, आपने देखा और समझा। लेकिन सरकारी मशीनरी के कान तले जू नहीं रहेंगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं बरेली के मीरगंज की DSM शुगर मिल की करतूत और इसके साथ ही मीरगंज पुलिस की कारगुजारी। DSM शुगर मिल मीरगंज के सिंधौली रोड पर है। ये रोड सिर्फ 10-12 फीट चौड़ा है। जैसा कि गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें अमूमन होती हैं, इसी रास्ते से गन्ना भरी ट्रॉली और ट्रक मिल लाई जाती हैं। और इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये 10-12 फीट चौड़ा रास्ता और उस पर ओवर ट्रक ट्रॉली गुजरते हैं। साथ ही गांवों से आने वाले लोगों के साथ ही मासूम स्कूल बच्चों से भरी वैन। तस्वीरों में देखिए कितनी जाने खतरे में है। यही तो पूछ रहा था तुम, उल्टे चल रहे रोड निकलते हुए चल रहे, बच्चों को खतरा है? हाँ बच्चों को खतरा है, ये जाम लगा रहता है, ट्रॉली पलट जाए ट्रक पलट जाए बच्चे खतरे में है। दूसरी तरफ ये ट्रॉली वाले जल्दबाजी में लाइन से न खड़े होकर उलपटांग तरह से खड़ी करते हैं ट्रॉली, जिससे पूरा रास्ता दिन भर जाम रहता है। फैक्ट्री के गार्ड आराम करते हैं। गार्ड से बात करने पर उसने कहा कि कोई सुनता ही नहीं। सबसे खास बात, थाना पुलिस को इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वालों को हाईवे पर उगाही से ही फुर्सत नहीं मिलती। पूरा रोड बंद करे हैं ये, इनमें आपकी ड्यूटी नहीं आती साइड से करवाना? ड्यूटी आती है, लेकिन सुनो ये आप, बहुत सारे जो डिप्पर वाले इतने नालायक हैं, ये मानते ही नहीं, ऐसे समझ लो आप। अब इनके अब बताओ नौकरी करना है इनके, डॉक्टर अगले क्या मर जाए, ये डंडा भी नहीं मार सकते। और इनसे बहुत कुछ कहते हैं हम डेली, इनके GM साहब तक शिकायत पहुंची भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल। अच्छा सर, प्रशासन नहीं आगे, पुलिस कुछ नहीं कर रही है? भी पुलिस वो हाईवे पर है, अब पुलिस को फोन कोई करे तब देगा, अब मान लो निकल गया पुलिस से भी पिटवाने से, मान लो वो भी अच्छा नहीं लगता है। आज हम अपनी टीम के साथ मौजूद हैं मीरगंज के JK चीनी मिल पर, जहां पर आप ये लाइव देख रहे हैं किस तरह से ट्रालियों ने यहां जाम लगा रखा है, निकलने बैठने वालों को इतनी परेशानी है, जबकि यहां कुछ गार्ड मौजूद हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। बाकायदा इसमें यहां पर कोई भी पुलिस का इंतजाम नहीं है और ऐसी परेशानी यहां पर होना आम बात है, आज ये कोई नई बात नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ परेशानी किस तरह के लोगों होती है और कैसे जाम में लोग फंसे रहते हैं। यहाँ एक गार्ड से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ रोज ऐसा जाम लगता है और हमारी कोई नहीं सुनता।